अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सैयद खुर्रम शहज़ाद और आप देख रहे हैं अली टॉप फॉर यू। आज मैं आपके लिए एक सिंपल सी सस्ती सी एक टिप लेकर आया हूं, जिसके ज़रिए से आप अपने हाथ पांव और गर्दन चेहरे को जो है बिल्कुल साफ़ सुथरा और ख़ूबसूरत बना सकते हैं। नरम और मुलायम भी होंगे और सिंपल सी है, इतनी महंगी भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी रेमडी है। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर सुनिएगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। आपने करना यूँ है कि एक गाची, वो जो तख्ती के ऊपर एक गाची सी नहीं जिससे तख्ती को साफ़ किया जाता है, गाची स्लेटी कलर की होती है, आपने वो लेनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, अपने हाथ पांव गर्दन चेहरे को सादे पानी के साथ धो के खुश्क नहीं करना, ठीक है। उसके बाद आपने गाची को पानी के साथ गीला करना और चेहरे के ऊपर रगड़ना शुरू कर देना, उसके बाद गर्दन के ऊपर, उसके बाद हाथों के ऊपर, उसके बाद पाँव के ऊपर। ये अमल करने के बाद आपने उसको कम से कम 10 से 15 मिनट छोड़ देने, भूलना नहीं है, क्योंकि वो जिस वक्त ड्राई होगी तो वो ड्राई होने के बाद आप अगर भूलेंगे तो चेहरे और हाथ वगैरह पे जो है ना झुर्रियाँ पड़नी शुरू हो जाएंगी। तो आपने उसको छेड़ना नहीं है, भूलना नहीं है, कुछ भी नहीं करना। उसके बाद आपने क्या करना है, जिस वक्त ड्राई हो जाए उसके बाद आपने हल्का हल्का पानी का छिड़काव करने के बाद हाथ पाँव गर्दन और चेहरे को मलना शुरू कर देना है उसके साथ। उसके बाद जिस वक्त आप उसका मसाज कर लेंगे सही तरीके से, फिर आपने उसको 5 से 6 मिनट के लिए छोड़ देने। उसके बाद आपने चेहरे हाथ पांव वगैरह को वाश कर देने सादे पानी के साथ। उसके बाद आपने क्या करना है, और ये अमल आपने करना है रात के टाइम। रात के टाइम इसलिए बताया जाता है कोई भी टिप हो, क्योंकि आप अप्लाई करने के बाद बाहर धूप या धूल वगैरह में नहीं चाहते, तो सही इफ़ेक्टिव होती है रात के टाइम पर कोई भी रेमडी। तो फिर आपने क्या करना है कि आपने उसके बाद कोई भी मिल्क लोशन लें, मिल्क लोशन मैं इसलिए कहता हूँ वो स्किन के लिए बेहतर होता है। मिल्क लोशन ले के उसको हाथ पांव वगैरह जहाँ जहाँ पे आपने वो अप्लाई की गाची, तो वो उस जगह पे अप्लाई करके फिर आपने आराम से सुकून से सो जाना है। और इंशाल्लाह चंद दिन के इस्तेमाल से आप ख़ुद फ़र्क महसूस करेंगे कि कितने खूबसूरत हो चुके हैं आपके हाथ पाँव और गर्दन वगैरह। हमारी वीडियोस को लाइक शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, ताकि हम आपके लिए इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहें। ये वीडियोस हम आपके लिए बनाते हैं, कोई खलाई मखलूक के लिए नहीं बनाते, आप लोगों के लिए बनाते हैं। और ये मैंने ख़ुद अप्लाई की हुई हैं और ये मेरी खुद इजाद की हुई टिप्स हैं और ये मैंने खुद अपने ऊपर अप्लाई की हुई हैं। मुझे इससे फ़ायदा हुआ है, इसलिए मैं आपको ये टिप्स वगैरह बताता हूँ। और ये लड़के और लड़कियाँ दोनों के लिए होती हैं, ये कोई मैं किसी एक मखसूस तबके के लिए नहीं बनाता, दोनों के लिए बनाता हूँ। तो ज़रूर देखा करें वीडियोज़ को और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।